हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं सेंट कैथरीन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और अभी मैं आ रखा हूँ दहाब की मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर करने। और इससे पहले की जो क्लिप थी वो अलादीन, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जैसे मैंने आपको दिखाया। सो यस, अब यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह क्लोथ्स वगैरह लिया, क्योंकि सेंट कैथरीन जहाँ पे हम जाने हैं वहाँ पे -5 डिग्री होने वाला है। मैं तो पहली जैकेट पहन ली है अपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वार्म है। सो मैं भी देखता हूँ, अगर कुछ पसंद आता है तो यही होगा कि ले लेता हूँ। और मेरे फ्रेंड्स उधर बाय कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी वार्म जैकेट नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट ऑफ दहाब। गाइस, 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद सेंट कैथरीन पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे लास्ट चेक पोस्ट है, और इसके बाद मोर देन 5 to 6 meters, शायद 5 to 6 kilometers हमें चल के जाना है, और वो भी बहुत अच्छा इंक्लाइन होगा जैसे इन्होंने बताया था। और जो मेन दिक्कत है वो यही है कि मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा लग रखी है, और मैं बहुत ही लंगड़ा के चल रहा हूँ। सो लेट्स सी कि मैं कवर कर पाता हूँ या नहीं। बट यस, अब इतनी दूर आया हूँ तो मैं सोचा क्यों एक चोट की वजह से मिस करूं, धीरे धीरे तो ट्रैवल कर ही सकता हूं। सो यह सो गाइस, पहले जो मैंने बोला था 3 to 4 kilometers, वो ऐसा नहीं है, और इधर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। बट यस, ये 7 kilometers का ट्रैक है, 7 to 8 kilometers का, और अभी सिर्फ 2 kilometer हुए हैं। तो आगे का प्लान मैं आपको आकर बताता हूँ कि हम उधर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने किसके फ्लैश लाइट मांग रखी है। सो यस, चलते हैं आगे। सो गाइस, हाफ डन हो चुका है, अब हाफ और रहता है, इन टोटल 7 to 8 है। सो यस, अभी सामने कैफेटेरिया है, उधर बैठे हैं, और कैफेटेरिया के रेट नीचे के रेट से ट्रिपल हैं। आई मीन, जो भी अगर जो वीडियो देख रहे हैं इन फ्यूचर आएगा तो नीचे से अपना सामान वगैरह लेके आए, पानी तो खासकर। एंड ये मेरा दोस्त नमन, रेड बुल जरूर लाना, यू नो कैफीन प्रोवाइड्स यू एनर्जी, स्टिमुलेंट का काम करती है। तो अब डायरेक्टली ऊपर पहुंचते हैं बहुत ही सुंदर एक नज़ारे के साथ। जो आप ये पीछे माउंटेंस देख रहे हो, इसके टॉप से नीचे अब मैं आ गया हूँ। रात को 12 बजे चले थे सनराइज देखने के लिए, जो कि 6:30 होता है, और अब बज रहे हैं 9:30, और हम बस वापस पहुँचे हैं। बहुत ही टफ था, बहुत ही स्ट्रगल था, बट फिर भी मुझे ये था कि मैं इतनी दूर इजिप्ट आया हूँ तो जाऊँ टॉप पे, देख के आऊँ कि क्यों इतनी हाइप है इस जगह की। और यस, जगह बहुत ज़्यादा सुंदर तो है, बट जो पहले 8 kilometers 7 to 8 kilometers हमें चलना पड़ता है, उसके बाद जो स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ती हैं अराउंड 750 stairs, बहुत ही टफ होता है उधर तक पहुँचना टॉप पर। बट या
कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी तो पड़ती हैं। इधर हमने पाया बहुत ही अच्छा व्यू और देखा बहुत ही अच्छा सनराइज़ और खोई अपनी एनर्जी। और मेरी लात तो बहुत पेन हो ही रही है क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था क्या हुआ है। सो यस, ओवर एंड ऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब कि लाइफ में ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, जब भी हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है। और ये माउंटेंस इधर से इतने सुंदर लग रहे हैं और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं टॉप से नीचे आ गया हूँ और इधर से टॉप भी गया था। मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा क्योंकि अब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह खाऊंगा और सीधा कायरो वापस चल जाऊंगा क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स आने वाली हैं। सो यस, इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है क्योंकि जो कंडीशन में था एंड ऑल। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।